नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर मैं आपको अपने संजीवनी गार्डन में लेकर के आई हूं। दोस्तों, पहले तो आप मेरे ये छत का सीन देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको दिखाती हूं ये सीन अपने छत का। सूरज डूब चुका है दोस्तों, ये देखिए शाम हो गई है पूरी। और ये मेरा देखिए पुदीना की जो मैंने कलम से ग्रो किया था, मैं मार्केट से पुदीना लेकर के आई थी, उसकी डंडी को मैंने ग्रो किया था और ये बहुत जल्दी ग्रो कर गया दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने छोटे से टब में, इस तरीके से मेरे पास था छोटे से 10 इंच का टब जो चौड़ा है, मतलब कि मैंने काट के इसको लगाया था। आइए अपने गार्डन में जरूर लगाइए दोस्तों, इसके बहुत ही फायदे हैं। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आप ये पुदीना को अपने गार्डन में जरूर लगाइए, और इसका केयर आप कैसे कर सकते हैं ये समय बताऊंगी दोस्तों। जब भी आप इस मार्केट से लेकर के आए तो देखिए इस तरीके से, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मार्केट में जब भी देते हैं पौधा तो ये इस तरीके से देते हैं, ये जैसे इस तरीके का देते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह की जड़ इसमें पड़ी रहती है, अधिकतर मार्केट में जो भी देते हैं ये जड़ पड़ी रहती है। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप जड़ भी नहीं है तो भी आप इस ये जो डंडी इसकी होती है, इसकी जो ये ब्रांच है, इसी को लेकर के आप सिंपली आप अगर पानी में इस तरीके से रख देंगे तो ये पौधा आसानी से इसमें ग्रो कर जाएगा और उसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से निकल आएंगी दोस्तों। लेकिन मैं इसको लगाने के लिए इसमें मैंने काउडंग और चाय की पत्ती और थोड़ा सा मिट्टी मैंने इस पौधे में डाला है दोस्तों, इसलिए क्योंकि काउडंग डालने से ये जो इसकी जड़ें हैं जल्दी से ग्रोथ कर जाएंगी, और चाय की पत्ती जो होती है वो गर्म होती है दोस्तों, उसको भी आप इसमें डालते हैं तो आपका जड़ जल्दी से ग्रो कर जाएगा। और ये कम से कम 5 दिन के लिए इस तरीके से रखिएगा दोस्तों, तो जड़ अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी पॉट में लगा दीजिए तो पौधा खूब ग्रोथ करेगा, ग्रो कर गया। पुदीना लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, आप कभी भी किसी भी समय पुदीना लगा सकते हैं। अब पुदीना को अधिक घना करने के लिए आप बीच बीच में ये चाय की पत्ती दोस्तों मैंने ली है, चाय की पत्ती आप बीच बीच में जब कटिंग कर ले, ये इस तरीके से किनारे किनारे ये चाय की पत्ती जो मैंने किचन वेस्ट से जो चाय बनाने के बाद जो बचती है उसी का मैं इसमें यूज करती हूँ दोस्तों। ये इस तरीके से मैं इसमें बीच बीच में डाल देती हूँ और ये मेरा पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। और बीच में मैं ये गोबर की खाद जो है वो भी डालती हूँ इस तरीके से दोस्तों। जब भी बीच में अपने ये पुदीना की कटिंग करती हूँ, पुदीना की पत्तियों की जब मैं कटिंग करती हूँ अपने, तो मैं उसको बीच में दोस्तों ये इस तरीके से मैं ऐसे गैप करती हूँ। गैप करने के बाद ये मैं खाद जो है अपने जगह जगह पौधे के अंदर डाल देती हूँ, ताकि मेरा ये देखिए मैंने खाद लिया है दोस्तों, ये इस तरीके से मैं बीच बीच में इसमें खाद को डाल देती हूँ ताकि ये मेरा पौधा काफ़ी अच्छे स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। आप फिर उसके ऊपर से मैं ये पानी डाल देती हूँ ताकि मेरा पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों, और ये काफ़ी घना भी होता है। इस तरीके से आप अपने पुदीना प्लांट की केयर करिए दोस्तों। गोबर के खाद के साथ साथ आप चाय की पत्ती वेस्ट जो होती है ये जरूर डालिए, क्योंकि चाय की पत्ती अगर आप डालते हैं बीच बीच में तो ये नमी इसमें बनी रहती है और इसको फैलने के लिए जड़ें जो मिट्टी होती है भुरभुरी काफ़ी बनी रहेगी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अपने पौधे में खाद डालिए, आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। और ये धूप में जरूर रखिए, क्योंकि धूप अगर लगती है तो पौधा काफ़ी खूबसूरत बनता है, काफ़ी पत्तियों में शाइनिंग रहती है, पत्तियाँ भी काफ़ी स्वस्थ रहती हैं दोस्तों। इसलिए आप इसी तरीके से अपने पौधे को लगाइए और इसको डेली एक बार शाम को पानी दीजिए, भर के पानी दीजिए, पानी बस ड्रेन होना चाहिए, तो आपका ये जो पत्तियां हैं चाहे जितनी भी धूप हो कितनी भी गर्मी लगे ये पत्ती कोई भी नहीं खराब होगी दोस्तों। और इसकी कटिंग आप बीच बीच में करते रहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे। इसी तरीके से आप अपने प्लांट को लगाइए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।